डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पोजीशन ऑफ द हाउस पोजीशन ऑफ द हाउस क्या है जब आप घर बनवाते हैं तो आप क्या सोचते हैं आप कहाँ पे घर बनवा रहे हैं आप क्यों बना रहे हैं आप किस चीज को जहन में रख के उस जगह को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपने घर बनाना हो पोजिशन ऑफ द हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक और the, आपकी अपनी हेल्थ की अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए तो द फर्स्ट कंसिडरेशन बिफोर इन चूजिंग हाउस आर दोस्पैक्ट ऑब्जेक्ट एंड सॉइल सबसे पहले आप क्या देखते हैं आस पास क्या जगह है आस पास सॉइल कैसी है पानी कैसे है वहाँ पर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकती है सो आपके जो पोजिशन ऑफ द हाउस है डिपेंड्स अपान के आपका घर जो है उसमें एयर वेंटिलेशन कितनी है उसमें सन कितनी लाइट से आ रहा है बिकॉज एयर वेंटिलेशन अच्छी होगी तो आपकी हेल्थ बेहतर होगी

प्रॉपर लाइट या चा, एयर चाहिए होती है अगर आप उसको इस डायरेक्शन में बनाएंगे तो जो सर्टन आपको आपकी हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन या लाइट चाहिए वो अवेलेबल होगी इसके अलावा सराउंड ऑब्जेक्ट्स डिपेंड करते हैं सराउंडिंग ऑब्जेक्ट जो है इट शुड भी कि आपके जो घर हो उसके आस फैक्ट्रीज नहीं होनी चाहिए बिकॉज जो फैक्ट्रीज का से जो स्मोक आता है जो तो पॉल्यूशन आती है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है इवन जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं उनका जो वेस्ट मटीरियल है वो आपका जो पानी आसपास का उसको खराब कर सकता है सैनिटेशन को खराब कर सकता है सो so आप जब भी घर बनाए कीप इन माइंड कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज ना हो कोई नॉइजी या ऐसी चीज़ ना हो जो बार बार नॉइज़ क्रिएट करे हो बिकॉज अगर कंटिन्यूस नॉइस है तो आपके ईयर को ही को डिस्टर्ब करते हो और अल्टोमेटली आपकी जो हेल्थ है वो सब बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है आपके जो नेबरिंग एरिया उसमें आपके पास पानी जो है साफ होना चाहिए कोई कंटेमेटेड वाटर नहीं होना चाहिए आसपास कोई एनिमल रेडिंग नहीं होनी चाहिए आपका जो आ, घर है वो अगर आसपास पानी होगा ज़्यादा में तो जो आपके डंपनेस घर के अंदर बहुत ज्यादा आएगी जब डंपनेस घर के अंदर आती है तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बॉडी जो है अपने नॉर्मल टेम्परेचर उसको मेंटेन नहीं कर सकती है सो आर स्मॉल थिंग्स जो कि एक जनरल है लेकिन ये चीज़ें आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं फिर है जी लाइटर वेंटिलेशन जब आप घर की पोजिशन को देख रहे होते हैं

तो इन दैट केस भी आपके जो लाइट एयर वेंटिलेशन जो आपके घर के अंदर है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है सो हाउस मस्ट हैव इन द ओपन स्पेस एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू द हाउस एट लीस्ट लीस्टी स्क्वेर फीट इन एरिया एक्सटेंड अलॉन्ग दिन ऑफ द हाउस मस्ट नेवर मे लेस टेन फीट फ्राम एवरी पार्ट ऑफ द बैक वॉल ऑफ द हाउस यानी अगर आप घर बनाएं तो उसके आस पास को आपको इतनी स्पेस छोड़नी चाहिए ताकि जो अगर स्ट्रीट से लाइट आ रही है तो आपके घर के अंदर प्रॉपर आ सके लेकिन इन केस अगर घर इस तरह से आपस में मिले हुए हैं तो उसमें लाइट का बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है जो कि अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के लिए लॉन्गर टर्म में बहुत बुरा इफेक्ट करती है फिर सॉइल जहाँ पे आपने घर बनाना है आपने उस जगह की सॉइल को देखना है health, site, bad, आपका ऐसे है जिसमें पानी है बहुत ज्यादा तो वो पानी जो है अल्टीमेटली आपके घर के जो वॉल्स हैं जो रूफ है जो आपकी जो दीवारें हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है डम्पनेस क्रिएट कर सकता है इसके अंदर जो कि फिर आपकी वें, एयर वेंटिलेशन को भी ख़राब करेगा आपके टेम्परेचर रेगुलेशन को भी ख़राब करेगा और आपके जो ओवरऑल हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा सो so वेन आप जब आप प्लान कर रहे हो प्लानिंग ऑफ अ हाउस आपने क्या प्लान करना है सन शुड एंटर एवरी लिविंग रूम एट सम टाइम ऑफ द डे बिकॉज जो अल्ट्रा वायल्ट रेज हैं वो आप की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्ट्रावाइज रेट मिलती हैं तो आपके बॉडी के अंदर वाटामिन डी प्रोड्यूस होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर सर्टन फंक्शन बॉडी के उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अगर आपके घर के अंदर प्रॉपर अल्टावाइज रेज नहीं आ रही तो वो आपकी हेल्थ यानी कि आपकी बोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है और बहुत से बच्चे जिनके अंदर रिकिड्स जो कि एक बोन की डिजीज है बच्चों के अंदर वहां पे होती है जहाँ पे घर के अंदर प्रॉपर लाइट ना आ रही हो जहाँ पे घर के अंदर प्रॉपर अल्ट्राइलेट लाइज रेस ना आती हो या एयर प्रॉपर ना होती हो इन दैट केस उन बच्चों के अंदर बोन्स डिफॉर्मिटीज बहुत ज्यादा होती हैं जो कि अगर उसको प्रॉपरली शुरू में ट्रीट ना किया जाए तो आगे जाके फ्यूचर में वो परमानेंट डिसेबिलिटी भी काज कर सकती हैं सो इन प्लानिंग ऑफ द हाउस फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एंड फॉर द ओल्डर पीपल जहाँ पे अगेन आपकी बोन्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है अल्ट्रा वॉलेट रेस की वाइटामिन डी की कैल्शियम की उसमें अगर आपके सर घर के अंदर प्रॉपर रेज नहीं आ रही तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है फॉर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड द फॉर द ओल्डर एज पीपल एज वेल एंड फॉर द प्रेगनेंट लेडीज लक्टेटिंग लेडीज बिकॉज जब खातून प्रेगनेंट हो या लैक्टेशन लेक्टे, करवा रही हो बच्चों को उसमें भी बॉडी की सर्टन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अल्टावल्ट रेज की वाइटामिन डी की और अगर इस उनट केस वो उसको प्रॉपर्ली अवेलेबल ना हो तो अगेन वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो विद द सोल विडोम इन द सेम वॉल आर द्लेस द एरिया वेंटिलेटेड इज द लीस्ट विद इज सिचुएटेड ऑन द अपोजिट वॉल द एरिया वेंटिलेटेड इज द ग्रेटेस्ट इसकी आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ लाहौर एक सिटी है पाकिस्तान का और इसमें एक कुछ एरियाज़ हैं जिनको हम कहते हैं जी दीज आर दर्ल्ड एरियाज या ओल्ड लाहौर कहते हैं उसके अंदर जो घर हैं वो पहले के बने हुए हैं और उन घरों का जो आर्टिटेक्चरिंग है ऐसे उसमें ना प्रॉपर एयर आती है ना उसके अंदर प्रॉपर सन रेज आती है अगर आप किसी हॉस्पिटल में कभी विजिट करें और आप उन एरियाज़ के बच्चों को देखें तो ऑलमोस्ट एटी नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट तक वहाँ के बच्चे जो हैं आपके पास प्रेजेंट हो रहे होते हैं जस्ट बिकॉज पोजिशन ऑफ द हाउस ऐसी है उनको प्रॉपर सन रेज नहीं मिल रही उनको एयर नहीं मिल रही उन बच्चों की बोर्नी डिफॉर्मिटीज की वजह से सो तो ये आपको आ, आ, इस तरह के तकलिफ़ एक्सपीरियंसिस मिलते हैं अगर आपकी पोजिशन ऑफ़ द हाउस बेहतर ना हो So, the planning of the house, the door should be removed from the window as possible in order to secure perforation of air. Staircase windows are indispensable to secure through ventilation of dwelling. House constructed back to back cannot be properly ventilated. So, this is the position of the house. A position of the house general. Ham shadows it is why we are selecting this area. But we the position the position you have certain things to keep in mind. कि आप जहाँ पे अपना घर बना रहे हो वहाँ पे साल अच्छी हो वहाँ का वाटर अच्छा हो वाटर कंटीमेटेड ना हो वहाँ की सैनिटेशन बेहतर हो आसपास कोई फैक्ट्रीज़ या ऐसा नॉइजी ना हो जो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करे बिकॉज फैक्ट्रीज होंगी वो आपके लंग को डिस्टर्ब करेंगी नॉइज़ होएगी वो आपके ईयर को आपकी ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा इनकेस अगर अल्ट्राइल रेज या वेंटिलेशन नहीं हो रही तो आपके बच्चों की अडल्ट की आपकी ओल्ड एज लोगों की आपकी खातन की उसमें बॉन्ड डिस्टरबेंसेस बॉन्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि उनकी ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और बच्चों के अंदर परमिनेंट डिफॉर्मिटी भी कास्ट कर देते हैं if, अगर हम उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स